अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है यार? आज तक एक बात समझ में नहीं आया। क्या? जब दिल में हड्डी होती ही नहीं है तो साला टूट कहाँ से जाता है? बात तो सही है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ है ना, मेरे बच्चे तुम्हें मम्मी कहे। क्रिकेट देखती हो तुम? हाँ। तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जेसीबी जायसवाल। ये देखो, एक सर्वे की रिपोर्ट में क्या लिखा है कि इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है और इंसान के पैदा होने से मरने तक कभी भी बंद नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो एक बार बंद हुआ था। अच्छा, कब? जब तुमको देखने गया था। पता नहीं वो कौन से हस्बैंड होते हैं जो अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं। यहाँ मेरा वाला तो लेक्चर देता है, लेक्चर, वो भी हर बात पे। नो। क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ। मैंने अभी एक चीज सोच रही थी। क्या? कि अगर किसी बंदे की इंटेलिजेंसी की तारीफ करनी है तो कभी उसके सामने ना करो, है ना? और अगर किसी लेडी की तारीफ करनी है तो कभी ऐसा नहीं कि उसके पीछे करो, उसके सामने करो जब वो आपके साथ बैठी हो खड़ी हो, है ना? है ना बात ठीक है? तो सही बात है। अरे तो मम्मी की करूंगा, मम्मी की यार हम वो कर देते हैं ना, वो अच्छा खाना बनाती हैं, कुछ करती हैं, बाद में तो कह देते हैं मम्मी ने ये बनाया वो बनाया। अब मेरी बहनें हैं, बुआ है, ये बेचारी, इनके सामने क्या करूंगा अब। हाँ यार कितना अच्छा लगा करेगा, ये तुमने सही आइडिया दिया, खुश हो जाती होंगी ना। क्या हुआ? अरे अरे सुनो तो। क्या है? अरे मैं तुम्हारी तारीफ तो मैं कर ही नहीं सकता यार, सामने तुम्हारे, तुम्हारी बात ही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएंगी ना। तुमने कहा इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान आदमी है उसकी तारीफ उसके पीठ पीछे करो जब वो सामने ना हो। अच्छा। हाँ। ये बात। तो तुम्हारी तारीफ कैसे कर दूंगा, तुम्हारे पीछे में बहुत करता हूँ। लेकिन चलो चाय बनाने जा रही हो क्या? ले आओ। अरे अब यार गुस्सा छोड़ भी दो ना, रात भी तुमसे सॉरी बोल दिया था मैंने, अब एक छोटी सी गलती की कितनी बार माफी मांगू मैं। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। हाय बड़े। अरे अब कहाँ से सुधार लूं, दो दो बच्चे और हो गए हैं, अब अच्छा लगेगा कि अब छोड़ूंगा तुम्हें। हो गए परचे शुरू। तुम तो कह रहे थे तुमने छोड़ दिए पीने। हाँ कहा था, जैसे तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ अब अच्छे से बिहेव किया करोगी, तमीज से बात करोगी, लेकिन वैसे की वैसे ही हो। हाँ तो ये आदतें छोड़ोगे तभी तो करूंगी ना ठीक से बिहेव। ऐसे तो तुम भी मेरी आदत बन चुकी हो यार, तुम्हारे बिना भी जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे मैं इस नशे की आदत की बात कर रही हूँ। जब कम नशा करना होता है इस नाचीज को तो तब पीता हूँ, नहीं तो जब मदहोश होना हो तो तुम्हारी आंखों के नशे में तो डूब जाता हूँ। इसका लेवल तो तुम्हारे नशे से बहुत नीचे का है। अच्छा ऐसी बात है? कोई शक है क्या? चलो आज ही चेक कर लेते हैं, मैं जल्दी से 4 पैग इसके लेता हूँ और उसके बाद। अरे हाँ बस बस। अच्छा सुनो, मैंने ना यूट्यूब पे एक बहुत अच्छी डिश बनाना सीखी है, अभी बस 2 मिनट में बना के लाती हूँ, ठीक है? ओके डार्लिंग, ले आओ।